रुक करते हैं अब बागपत से आई बड़ी खबर का, जहां पर यूपी में ऑपरेशन क्लीन जारी है और पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ थी तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। राठी गिरोह के शार्प शूटर को गोली लग गई, आरोपी हत्या के मामले में फरार चल रहा था। तो तिहाड़ जेल में बंद सुनील राठी के कहने पर हत्या को अंजाम दिया गया। तो बागपत में ऑपरेशन क्लीन यूपी पुलिस का जारी है, पुलिस और बदमाशों के बीच दरअसल मुठभेड़ हुई, जहां इस मुठभेड़ में बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी। राठी गिरोह के शार्प शूटर को गोली लगी है। बता दें कि ये आरोपी हत्या के मामले में लगातार फरार चल रहा था और अब आखिरकार यूपी पुलिस को कामयाबी, जहां पर राठी गिरोह के शार्प शूटर को गोली लग गई। दरअसल आपको बता दें कि तिहाड़ जेल में बंद सुनील राठी के कहने पर हत्या की गई थी। देशपाल हत्याकांड जो 7 तारीख को चबरौली थाना क्षेत्र में जो हत्या हुई थी, उसके अभियुक्त में से एक गिरफ्तार आज दिन में हुआ था मुठभेड़ के बाद में। इसका नाम सौरभ कोहली था, उसी के 2 साथी फरार थे। इनके संबंध में इन्फॉर्मर से इनपुट मिला था कि इनका मूवमेंट अब शामली की तरफ हो सकता है और ये भागने का प्रयास करेंगे। उसी में SOG की टीम और रमाला पुलिस, ये लोग ककड़ीपुर क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे, उसी दौरान ये बदमाश नजर आए।